हेलो साथियों, नमस्कार। भूले तो होंगे नहीं आप, ये स्क्रीन पे सामने जो शख्स आपको दिख रहे हैं, ये मिस्टर स्नेहल अवस्थी हैं। कानपुर में किदवई नगर में जब आप सोटे वाले मंदिर से साइड नंबर 1 की तरफ जाते हैं तो लेफ्ट साइड में किड लैंड करके ये एक अलग सी शॉप खुली हुई है। जो सज्जन अभी आपको दिख रहे थे वो उसी के प्रोपराइटर हैं। इनकी शॉप में कुछ खास बात है, अगर शाम को कभी निकलेंगे तो इसकी छटा अलग ही निराली होती है, जैसे कोई घूमने फिरने का प्लेस हो। और ये शख्स घूमते हुए दिख रहे थे, ये भी यही मिस्टर स्नेहल अवस्थी है। मैं इनके शॉप की एक झलक आपको दिखाता हूँ अंदर से। जैसा इन्होंने बताया, इनके यहाँ COVID-19 का पालन करते हुए केवल 10 लोगों को दिया भेजा जाता है। कुछ लेना या कस्टमर के चेहरे पर खुशी एक अलग बात होती है। आपको यहाँ आके निश्चित रूप से अच्छा फील होगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। मैंने आज इनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमारे दर्शकों के लिए एक छोटा सा इंटरव्यू दें, तो मिस्टर स्नेहल तैयार हो गए। ये वीडियो के माध्यम से इस दुकान का मैं आपको बाहरी हिस्सा दिखा रहा हूँ और बाकी कई खासियतें हैं जो आपको उसमें वो उनके मुख से ही आप सुनेंगे। तो चलिए चलते हैं। गिनती चल रही ना? एयरबैग वाली तो लड़की है, चल रहा है ना? चल रहा है। साथियों, आपके अपने चैनल रूट इन कानपुर में मैं अनुपम शुक्ला एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। मैं इस समय किदवई नगर में ही हूँ और एक अलहदा किस्म की शॉप के सामने खड़ा हूँ और उसके प्रोपराइटर मेरे सामने हैं। तो मैं समय वेस्ट न करते हुए मैं सीधे उनसे मुखातिब होता हूँ। सर, क्या नाम हुआ आपका? स्नेहल। बहुत प्यारा नाम है। स्नेहल जी, मैं आपके इधर से काफ़ी निकला करता हूँ, तो ये जो आप करते हैं जो मुझे दिखा थोड़ा अलग तरीके का दिखा, तो इसको जो आपने जिस तरीके से प्रिंट किया है कि वही नगर जैसे एरिए में, इसके पीछे क्या प्रेरणा थी, जरा अपने शब्दों में हमारे दर्शकों को बताइए। ऐसी है ना, प्रेरणा तो कुछ नहीं, जब मेरा ये मैंने स्टोर खोला था, ब्रांड स्टोर अपना, तो यहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स रखे थे, लोग आके कहते थे आप स्वरूप नगर जाओ, आप यहाँ क्यों हो। जब मैं साउथ कानपुर से बिलोंग करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि साउथ कानपुर भी उतना ही डेवलप हो जितना आज हमारा ये स्वरूप नगर और माल रोड वगैरह है। यहाँ पर ऐसी कोई दुकान नहीं थी, सब जाते थे यहाँ से, हम भी अपने बच्चों को लेकर आते। तो मैंने एक ऐसी जगह डाल दी, चाहे दिवाली हो, होली हो, क्रिसमस हो, कोई भी त्यौहार हो, यहाँ पर पूरा ऐसा डेकोरेशन थीम वर्क हम कराते हैं, अंदर उसी के रिलेटेड प्रोडक्ट्स रखते हैं कि आदमी को यहाँ से स्वरूप नगर वगैरह नहीं भागना पड़े, यहीं पर उसका। और इस समय इतना कोविड चल रहा है, लोग बाहर निकल भी नहीं रहे, मॉल भी नहीं जा रहे, तो मैं उनको फील देना चाह रहा हूँ कि मॉल की फीलिंग यहाँ मिल सकती है। प्रॉपर सैनिटाइजेशन, मास्क वगैरह सब उपलब्ध यहाँ पे करा रखा है। कोई भी अंदर नॉर्मल 10 लोगों से ज़्यादा अंदर कोई अलाउड नहीं है। बाहर में बेटी है, बाहर गैलरी बना रखी है, यहाँ आदमी अपना कपड़े पे पहन के फोटो खिंचवा सकता है, सेल्फी फ्री ऑफ कॉस्ट है, अपना टैग कर सकता है। हमारे एक मैंने एक्टिविटी पॉइंट भी है, हाँ, एक्टिविटी शुरू कराई है सीक्रेट सेंटा करके। उसमें जैसे कोई भी पेरेंट्स यहाँ आकर अपना गिफ्ट बुक कर दें, यहाँ से एक सेंटा क्लॉज जाएगा उनके घर पे 25 तारीख 24 तारीख जब भी वो बताएंगे रात में 12 बजे, और सेंटा बन के जाएगा उनके बच्चे को गिफ्ट देगा, तो बच्चे को भी लगेगा कि सेंटा ने गिफ्ट दिया। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट एक्टिविटी हम कर रहे हैं। तो जितने आ रहे हैं अभी, काफ़ी ऑर्डर आए हैं हमारे सीक्रेट सेंटा के, और बड़ी बात है कि स्वरूप नगर से लोगों ने आके यहाँ पर ऑर्डर किया है। तो साउथ कानपुर को मैं स्वरूप नगर से आगे भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये तो गजब हो गया, क्योंकि मैंने केवल ट्रेलर देखा था, आपने तो पूरी पिक्चर बना दी। तो दर्शकों, मैं आपसे वादा करता हूँ कि स्नेहल जी से मैं नंबर लेके इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो इससे संबंधित अगर आपको कोई जानकारी छूट गई हो, क्योंकि इन्होंने तो पूरे शब्दों में पूरा बता दिया, तो कैसे क्या करना है मैं इससे और भी समझ लूँगा, और डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर रहेगा तो आप उससे स्नेहल जी से कॉन्टैक्ट करके इसको कर सकते हैं। स्नेहल जी, आप तो मुझे काफ़ी यंग एज के दिखते हैं, ऐसा कंसेप्ट ला के विदेशी कल्चर वाला आपने कैसे लागू कर दिया कि नहीं, अगर देखने का
मेरा एजुकेशन एक्चुअली मैं पढ़ा हूँ लंदन से, हैमलीज में मैंने जॉब भी करा है लंदन से, हैमलीज में जॉब किया है। वो तो पापा का कुछ कैजुअलिटी हो गई थी इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा, तो मुझे बड़ा सफोकेशन लगता था यहाँ पे, तो मैंने उसी हिसाब से जैसा वहाँ मुझे पढ़ाई वढ़ाई हुई वैसे ही यहाँ पे सब डाला है। और स्वरूप नगर माल रोड तो सभी जाते हैं, मैं साउथ कानपुर को वैसे ही डेवलप करता हूँ। नेहल जी, जैसे मैं ऐसे इंटरव्यू करता हूँ तो ऐसी बात नहीं, मैं भी एक इंसान ही हूँ, तो मुझे आपके में कुछ अलग सा दिखा था, तो ये मेरे अपने अंदर की क्यूरियोसिटी भी थी। लेकिन मुझे ये बात अच्छी लगी कि आपने अपने फादर के तरफ झुकाव की, जैसे हमारा इंडिया के रहने वाले हम लोग इमोशन में रहने वाले लोग थे, तो आपने इमोशन को वरीयता दी, लंदन को छोड़ा और हमारे कानपुर को खासतौर से साउथ को प्रेफर किया। तो अच्छा, ये आपका ये सेटअप कितना अच्छा हो गया? मेरा ये सेटअप वैसे तो 20 साल पुराना है जी, बट अभी रेनोवेशन वगैरह करा के 2 साल हुआ है, रेनोवेट कराया मैंने पूरा। ब्रांड सारे बड़े बड़े ब्रांड जो आपको रेस्टोरेंट में आने में मिलेंगे वो सारे ब्रांड हमारे पास है। अच्छा, आपका रिस्पांस पब्लिक का रिस्पांस कैसा रहा है? बहुत अच्छा है, हमारे बहुत अच्छे कस्टमर हैं, क्योंकि आज की डेट में ऑल ओवर कानपुर पे आ रहे हैं यहाँ पर, चाहे स्वरूप नगर हो जाए, चाहे बिराना रोड हो जाए, चाहे नवाबगंज हो जाए, सब आ रहे हैं कस्टमर। होम डिलीवरी भी हम कराते हैं, होम डिलीवरी फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस है हमारा यहाँ पर। तो ये कोविड प्रोटोकॉल भी आपने पूरा किया। अच्छा, ये जो रोड आपके इसके आपके सामने जो ये नरेगा से वीआईपी रोड टाइप की हो गए, क्योंकि मिठास भी यहाँ पे है और इन्होंने सारे शोरूम वगैरह सब यही आ गए। और ये अच्छा, ये जो आपका इस तरीके का काम होना ये देखिए लंदन टाइप की है, इसको क्या कहा जाएगा? ये एक मल्टी ब्रांड स्टोर है बच्चों का, बच्चों के रिलेटेड में, मतलब इसमें बच्चों का आपको कॉस्मेटिक भी मिलेगा, बच्चों के टॉयज भी मिल जाएंगे, बुक्स कॉपी स्टेशनरी सब मिलेगा, बच्चों से रिलेटेड हर सामान यहाँ पर। तो मतलब नेहल जी, रिनोवेट करा के आपको 2 साल हुआ यहाँ पे, तो कहना वही नगर से थोड़ा सा आपको तो पता आप यहीं के रहने वाले हैं, तो थोड़ा सा बैकवर्ड तो माना जाता था किन्वी नगर वाला, लेकिन आप तो कॉन्फिडेंट कितने हैं, तो आप किन्वी नगर में ये एक मिथ थी, एक भूल थी लोगों की जो ये सोचते थे बैकवर्ड है। आज की डेट में जितना नयागंज सराफा मार्केट चल रहा है, पूरा आदमी यही अपना किन्वी नगर के ब्लॉक का रहने वाला है, जितना फाइनेंसर है वो सारा किन्वी नगर के मतलब यहाँ पर है, बड़े बड़े बैंक से लोग आते हैं किन्वी नगर विजिट करते हैं। मेरा ये कहना गलत होगा कि यहाँ बैकवर्ड है, यहाँ पर उतने ही अपवर्ड आदमी रह रहा है जितना कि स्वरूप नगर वगैरह में रह रहा है, बट ये है थोड़ा पुराना विचार वाला है, विचारधारा वाला आदमी, लेकिन अच्छा है यहाँ पे रिस्पांस मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है। नहीं तो स्नेहा जी, मैं आपसे बताऊँ कि आपकी लंदन की एजुकेशन जो हुई उसने भी काफ़ी फर्क डाला, कहीं अच्छी चीज़ है, कहीं ना कहीं से बदलाव शुरू होना चाहिए। अच्छा, आप तो जैसे अब ये कोविड काल तो लगभग समाप्त हो रहा है, तो आने वाले नए साल में आप क्या उम्मीद रखते हैं? कोविड का भी समाप्ति नहीं कह सकते, क्योंकि हमने पूरा प्रोटोकॉल अभी भी कर रखा है, 10 कस्टमर से ज़्यादा हम अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, बाहर सैनिटाइजेशन के बिना वो अंदर जा नहीं सकते, बिना मास्क के अंदर अलाउड नहीं है हमारे यहाँ, तो और बाकी इम्प्लॉय सारे मास्क पहने हैं। कोविड का भी कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी आप देख रहे हैं ब्रिटेन से कल से ही उड़ाने रद्द कर दी गई हैं कि कुछ एक नया कोविड और आ गया है, दूसरा वायरस। अरे हम तो बट देखते हैं नेक्स्ट ईयर क्या लाता है, 2020 तो वेस्ट ईयर था, अब देखते हैं आगे क्या होता है, बट कुछ भी होगा बड़ा होगा, अब चीज़ें सुधर रही हैं, पट्टी में आ रही हैं, सब फिर से रूम कर रहे हैं, तो वैसे ही होगा। चलिए, आशा है तो आशा फलीभूत भी होगी। तो सर, हमारा जैसे एक प्रोग्राम हुआ या कोई भी चीज़ हुई, ये सब सोसाइटी के ही अंग होते हैं, लेकिन हमारा चैनल मुख्यतः युवा और बड़ा लोगों का संबोधित है, तो इसमें भी कहीं तो एंड होना है, ज़्यादा लंबा इंटरव्यू कर नहीं सकते, लोगों के अंदर इतना देखने का ऐसा भी नहीं सोचते हैं। आप इंटरव्यू करके मुझे बहुत अच्छा लगा, भविष्य में क्या इंटरव्यू करूँगा, लेकिन ज़रा हमारे युवा दर्शकों को उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पर्यावरण के लिए मैं भी खुद भी बहुत जागरूक हूँ, और मैं अपने दोस्तों से ये कहना चाहूँगा कि अगर कहीं उनका कुछ भी डेवलपमेंट में कहीं रुकावट आ रही है पर्यावरण को लेकर या कुछ भी हो रहा है, तो अगर एक पेड़ काटें तो 100 पेड़ लगाएं, मेरा यही मानना है और मैंने यही फॉलो किया है। यहाँ भी मैंने नगर निगम से भी अभी परमिशन ली है, ये टेलीफोन एक्सचेंज का खंभा है, इसको हटा के मैं यहाँ पर 2 पेड़ लगाना चाहता हूँ, जो अपने
राहगीरों को परछाई भी देगा, छाव भी देगा, और जितने पेड़ होंगे उतना ही प्रदूषण कम होगा। इस समय प्रदूषण ग्रसित सब लोग हैं, कानपुर जिसमें कि बहुत ऊपर है, तो उसको कम करने के लिए हम चाहेंगे पर्यावरण को बहुत साफ़ सुथरा रखें, कूड़ा हम लोग बाहर ना फेंकें, और जितना कूड़ा कम होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा, और उतना साफ़ सुथरा कानपुर अब जो दिख रहा है वैसे ही दिखना चाहिए, साउथ कानपुर को भी हमें ऊपर दिख रहा है। थैंक यू प्रिया जी, आप जैसे युवा अगर मतलब प्रगति पे ले जाएंगे तो हमारा कानपुर और खासतौर से बिजली नगर ऐसे ही तरक्की करता रहेगा। आशा करता हूँ कि नए साल में कोविड का भी प्रोटोकॉल पूरा हो जाएगा और हम लोग और तरक्की कर सकते। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सर कमेंट जरूर करिए। तो इस वीडियो की बात यहीं तक, जल्द मिलेंगे, गुड बाय।